Kriya, verb. Kriya shabd kri धातु से बना है, जिसका अर्थ है करना, अर्थात क्रिया का अर्थ है काम करना। किसी कार्य की चेष्टा क्रिया कहलाती है। दूसरे शब्दों में, जिस विकारी शब्द से किसी काम का करना या होना, किसी पदार्थ की गतिविधि या स्थिति विशेष सूचित होती है, उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, मनु खेलता है, वह पत्र लिखता है, पेड़ कट रहा है, लता मंगेशकर मधुर गाती हैं। यह गहरी काली अक्षर क्रियाएं हैं। क्रिया वाक्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके बिना वाक्य अपूर्ण रहता है। क्रिया सदा कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष एवं काल के अनुसार परिवर्तित होती है। जैसे, का लड़के खेलते हैं, मैं खेलता हूँ, लड़के खेल रहे हैं। खा तुम खेलते हो, मैं खेलती हूँ, लड़के खेलेंगे। गा लड़का खेलता है, लड़की खेलती है, लड़का खेलता था। धातु, क्रिया में मूल शब्दों को धातु कहते हैं। जैसे, खेलता, खेलते, खेल रहा, खेल रही, खेल रहे, खेला, खेले आदि में खेल धातु है। धातु का अर्थ है क्रिया के सभी रूपों को धारण करने वाला मूल रूप। पढ़, लिख, हंस, सो, देख आदि धातु हैं। इनमें ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे, खेलना, पढ़ना, लिखना, हंसना, सोना, देखना आदि। यह रूप क्रियार्थक संज्ञा कहलाता है। इसका प्रयोग संज्ञा के समान भी हो सकता है। जैसे, हर समय सोना अच्छा नहीं है। इस वाक्य में सोना संज्ञा की तरह प्रयुक्त हुआ है। सहायक क्रिया, जो शब्द काल आदि का बोध कराने में क्रिया की सहायता करते हैं, उन्हें सहायक या रंजक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं पढ़ता हूँ, वह पढ़ रहा है, तुमने पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे, वे पढ़ते होंगे, वह पढ़ रहा होगा आदि। इन वाक्यों में हूँ, रहा है, था, रहे थे, होंगे, होगा शब्द वाक्य की क्रिया का काल बताने में सहायता कर रहे हैं। अतः ये सहायक क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के व्यापार को करने वाला उस क्रिया का कर्ता कहलाता है और क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कहलाता है। जैसे, दिगंत पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में पढ़ता है क्रिया का कर्ता दिगंत है तथा कर्म पुस्तक है। क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर। एक, कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। कर्म के आधार पर भेद, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। क, अकर्मक क्रिया, अनामिका चलती है। अ, कौन चल रहा है? उत्तर है अनामिका। चलना क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? उत्तर है अनामिका पर। चिड़िया उड़ रही है। ब, कौन उड़ रही है? उत्तर है चिड़िया। उड़ने क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? उत्तर है चिड़िया पर। इस प्रकार इन दोनों वाक्यों में चलती है व उड़ रही है क्रिया का फल क्रमशः अनामिका, कर्ता व चिड़िया, कर्ता पर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ कर्म नहीं है। इसलिए ये क्रियाएं अकर्मक हैं।
जब क्रिया का प्रभाव किसी अन्य पर न पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़े वहां अकर्मक क्रिया होती है। ख सकर्मक क्रिया, सकर्मक अर्थात कर्म सहित। अ मैं निबंध लिख रही हूं, क्या लिख रही हूं? उत्तर है निबंध। कर्म, लिख रही हूं क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? उत्तर है निबंध पर। ब तुम गाना गा रहे हो, क्या गा रहे हो? उत्तर है गाना। कर्म, गा रहे हो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? उत्तर है गाने पर। इन दोनों वाक्यों में निबंध एवं गाना कर्म होने के कारण क्रिया का फल भी इन पर ही पड़ रहा है, अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। जब क्रिया के व्यापार का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े तथा जिसके प्रयोग में कर्म की अनिवार्यता बनी रहे उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के दो प्रकार होते हैं। सकर्मक क्रिया के प्रकार, एकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। क एकर्मक क्रिया। अ महात्मा जी ने उपदेश दिया। प्रश्न, क्या दिया? उत्तर है उपदेश। ब बढ़ई ने मीस बनाई। प्रश्न, क्या बनाई? उत्तर है मीस। इन दोनों वाक्यों में क्रमशः उपदेश और मीस एक एक कर्म होने के कारण ये एक कर्मक क्रियाएं हैं। इस प्रकार जब क्रिया का एक ही कर्म होता है तो वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। ख द्विकर्मक क्रिया। अ राजा ने ब्राह्मणों को दान दिया। प्रश्न, क्या दिया? उत्तर है दान। मुख्य कर्म। प्रश्न, किसको दिया? उत्तर है ब्राह्मणों को। गौण कर्म। ब डॉक्टर ने रोगी को दवाई दी। प्रश्न, क्या दी? उत्तर है दवाई। मुख्य कर्म। प्रश्न, किसको दी? उत्तर है रोगी को। गौण कर्म। इन दोनों वाक्यों में पहले वाक्य में क्रिया के कर्म ब्राह्मण और दान तथा दूसरे वाक्य में दी क्रिया के कर्म रोगी और दवाई हैं, अतः ये क्रियाएं द्विकर्मक हैं। जब क्रिया के दो कर्म होते हैं तो वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। क्रिया अकर्मक है या सकर्मक यह जानने के लिए क्रिया के साथ क्या, किसको या किसे लगाकर प्रश्न किया जाए। यदि इनके उत्तर में संज्ञा या सर्वनाम आए तो क्रिया सकर्मक है, अन्यथा अकर्मक। एक, क्या सोता है? उत्तर संज्ञा या सर्वनाम का अभाव, क्रिया अकर्मक। दो, क्या पढ़ता है? उत्तर पुस्तक, संज्ञा की उपस्थिति, क्रिया सकर्मक। दो, संरचना की दृष्टि से क्रिया को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। संरचना के आधार पर क्रिया के अन्य भेद, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। का संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती हैं तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। इन भिन्न क्रियाओं के मिलने से निर्मित क्रिया के अर्थ में विशेषता आ जाती है। अ वह अपना काम कर चुका। ब तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। इन वाक्यों में कर चुका तथा आया करो संयुक्त क्रियाएं हैं। इनकी रचना दो क्रियाओं के योग से हुई है जिसमें एक मुख्य क्रिया है तथा दूसरी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की पूर्णता में सहायक होती है, जैसे वे जा रहे हैं, देव चला जाएगा, वह खाना खा रहा है आदि
सभी सहायक क्रियाएं हैं। इस प्रकार वाक्य में कभी एक कभी एक से अधिक सहायक क्रियाएं होती हैं। वह वहां रोज जाया करता होगा। इस वाक्य के अंतर्गत जाना, करना, होना, ये तीन क्रियाएं आई हैं। भाव को पूर्ण करने वाली इन क्रियाओं को सहायक क्रिया या रंजक क्रिया भी कहते हैं। ख, नाम धातु क्रिया। क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से जो धातुएं बनती हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। इस प्रकार संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण शब्द जो धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं वे नाम धातु कहलाते हैं। इन नाम धातुओं में ना प्रत्यय जोड़कर नाम धातु क्रिया का निर्माण किया जाता है। संज्ञा से, संज्ञा बात, नाम धातु बता, नाम धातु क्रिया बताना, लज्जा लजा, लजाना, हाथ हथिया हथियाना। विशेषण से, चिकना चिकना चिकनाना, सूखा सुखा सुखाना, साठ सठिया सठियाना, नरम नरम नरमाना। सर्वनाम से, अपना अपना अपनाना। क्रिया से, थप थप थपथपा थपथपाना, भिन्न 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 भिना भिन्न भिनाना। ग, प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया से यह जान पड़े कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है या किसी अन्य से उस कार्य को करवाता है तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मालकिन धोबी से कपड़े धुलवाती है। प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो प्रकार हैं। अ, प्रथक प्रेरणार्थक क्रिया। ब, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। धातु गिर, प्रथम प्रेरणार्थक गिराना, द्वितीय प्रेरणार्थक गिरवाना। चल चलाना चलवाना, ठहर ठहराना ठहरवाना, पढ़ पढ़ाना पढ़वाना, धो धुलाना धुलवाना, सो सुलाना सुलवाना, सुन सुनाना सुनवाना, बोल बुलाना बुलवाना, कर कराना करवाना, डूब डुबाना डुबवाना, काट कटाना कटवाना, लिख लिखाना लिखवाना। जानने योग्य बातें। अकर्मक क्रिया का सकर्मक में और सकर्मक क्रिया का अकर्मक में प्रयोग हो सकता है। जैसे एक, अकर्मक क्रिया का सकर्मक में प्रयोग। वह जोर से हंसा, अकर्मक। वह जोर की हंसी हंसा, सकर्मक। वह खेल रहा है, अकर्मक। वह खेल खेल रहा है, सकर्मक। दो, सकर्मक क्रिया का अकर्मक रूप में प्रयोग। साधना पुस्तक पढ़ती है, सकर्मक। साधना पढ़ती है, अकर्मक। राम प्रकृति को देख रहा है, सकर्मक। राम देख रहा है, अकर्मक। पढ़ना और देखना, इन दोनों क्रियाओं का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, किंतु यहां इनका प्रयोग अकर्मक रूप में भी हुआ है। घ, पूर्वकालिक क्रिया। अ, वह पढ़कर सो गया। मूल क्रिया सो गया। मूल क्रिया से पहले वाली क्रिया पढ़ना। ब, मैं गृह कार्य करके खेलने जाऊंगा।
मूल क्रिया खेलने जाऊंगा, मूल क्रिया से पहले वाली क्रिया करके। इन वाक्यों में मूल रूप से क्रमशः सोने व खेलने जाने की क्रियाएं हो रही हैं, परंतु उससे पहले पढ़ने व गृह कार्य करने की क्रिया हो रही है, अतः ये पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। मुख्य मूल क्रिया से पूर्व होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, पढ़कर, उठकर, आकर, जाकर, सिलकर, मिलकर, खाकर, बुनकर, रोकर, सोकर।